अपने बर्थडे के बाद जब नंदनी अक्षय को अपने घर बुलाने लगी और मेरा पीछा छूटते ही अक्षय उसके साथ जाने को राजी हो गए, तब तो मैंने सिर्फ नंदनी को सबक सिखाने के लिए उसके फ्लैट के मालिक और पड़ोसियों को फोन करके भड़काया था। लेकिन उसका नतीजा ये निकलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी आपकी चांस। नहीं, चीटिंग नहीं, इसको ऐसे। माँ, हाँ बेटे, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, नंदनी और डॉक्टर इरफान शादी करने वाले हैं। That's really great news. So good news है पापा। मेरी टर्न। नंदनी का ही फोन था, उसने बताया कि रजिस्टर्ड मैरिज के लिए एक महीने के नोटिस पेपर पे साइन किया दोनों ने। बहुत खुश लग रही थी नंदनी। चीटिंग ही ना आपने। नंदनी, I'm really sorry. इन हालात में मुझे और कुछ सूझा नहीं, इसलिए मैं। भाई, आपने बिल्कुल सही किया। जब डॉक्टर अक्षय को परवाह ही नहीं है तो मतलब उन्होंने शायद मिस्टर पवार की बात को सीरियसली नहीं लिया, तभी तो नहीं आए वो मंदिर में आपसे शादी करने। लेकिन हम लोगों ने देखा ना कैसे मिस्टर पवार लोगों को लेकर आए ये घर खाली करवाने, और वो पड़ोसी वो तो ना जाने कैसी कैसी गंदी बातें कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि इरफान भाई समय पर मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है, वरना पता नहीं और कितनी बदनामी हो जाती। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फोन पर तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला कौन रहा है। मैं देखती हूँ। सरप्राइज। अरे Hi, Dr. Irfan, how are you? Good, sir. जी, ये गलतफहमी की वजह से जो हमने सुबह आपसे बदतमीजी से बात की ना, अब उसके लिए सॉरी बोलना सारू नतला। और इसीलिए द फ्यूचर डॉक्टर एंड डॉक्टर मिसेस इरफान मलिक के लिए मैंने हमने एक सरप्राइज डिनर पार्टी प्लान की है। वैसे पवार साहब, आपकी वाइफ आने वाली थी आज? नहीं, वो कहीं बाहर गई है काम से। अगर वो होती ना तो और भी ज्यादा मजा आता। नेक्स्ट टाइम जरूर आएगी वो। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।